पिछोड़ छोड़कर शिवपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ना पार्टी का फैसला था। केपी सिंह मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल माने जाने वाले शिवपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए केपी सिंह कग्गाजू ने आज लंबे इंतजार के बाद निज निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। केपी सिंह ने कहा कि पिछोड़ को छोड़कर शिवपुरी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरना उनका खुद का नहीं बल्कि पार्टी का फैसला था। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के फैसले को मानना पड़ेगा। यही कारण है कि वह शिवपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। विकास के मुद्दे को लेकर वह चुनाव मैदान में उतरे। शिवपुरी ने नासिर खान की रिपोर्ट। पढ़ू नहीं, आपने कह दी, वचन पत्र दिखा देंगे। शिवपुरी विधानसभा का ये पहला मौका है। हालांकि पिछले 25 सालों से आप लगातार शिवपुरी जिले की राजनीति कर रहे हैं, 30 साल से। ऐसे में छठवें चुनाव के बाद पहली बार आप जिला स्तर की विधानसभा पे आए, तो ये क्या सोची समझी राजनीति का हिस्सा है या आपको जो है पिछोड़ छोड़ के वाकई शिवपुरी आना था, इस वजह से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? तो देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, जो पार्टी का फैसला है, पार्टी में अगर आपको रहना है तो जो पार्टी फैसला करती है उसको आपको पालन करना चाहिए। ये व्यक्तिगत फैसले नहीं होते। क्यों चुना सर आपने शिवपुरी, भैया पार्टी ने ऐसा क्यों चुना जबकि आपके नाम का ना सर्वे हुआ? ये पार्टी है, पार्टी और पार्टी के हाईकमान से बात करो, मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छा, ये एक अलग बात पूछता हूँ मैं आपसे। आप पिछले 10 दिन से शिवपुरी में जनसंपर्क कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपसे शहरी जनसंपर्क है, किस तरह का रुझान देख रहे हैं आप अपने पक्ष में? जनता बदलाव चाहती है। आपका जनता बदलाव चाहती है तो पिछोड़ में बदलाव चाहती थी, इस वजह से आपने शिवपुरी बदला? अब ये आपका अपना विचार है, कुछ तो बोलो साहब। शिवपुरी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, शिवपुरी में आपको कौन से मुद्दे मुख्य दिखाई दे रहे हैं जिन पर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सारे मुद्दे मैं आपको बता चुका हूँ, ये मेरा वचन है। दिखा दो आप तो सब इसी को पढ़ लेंगे। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे नहीं है, ये मेरा वचन है। ये क्या है, इसी को दिखा दो कैमरे पे। अभी आधा घंटे पहले वही जी इधर दिखा दो, इधर चलो ठीक है, वचन पत्र ही पढ़ना। अच्छा, शुरू से हम सुनते आए हैं पर्यटन नगरी के रूप में शिवपुरी को डेवलप किया जा रहा है और तमाम तरह की बातें आ रही हैं। अब तो शेर भी आ गए हैं और चीते भी आ गए हैं, सब कुछ है, सिंधिया छतरी है, काफी मात्रा में ऐसी मटेरियल है जो पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। फिर कहाँ कमी रह जाती है कि नहीं हो पा रहा है? देखिए, हम जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से जरूर नहीं कि पर्यटक सोचे, उसकी सोच के अनुसार जब तक हमारा पर्यटन केंद्र नहीं बनेगा तब तक पर्यटक आएगा नहीं, और जब तक पर्यटक नहीं आएगा तो पर्यटन केंद्र बनने का मतलब क्या है? नहीं, अभी तक चूंकि काफ़ी दिनों से बीजेपी सरकार है, हाँ। यदि कांग्रेस सरकार आती है तो आप इसमें कुछ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पर्यटन जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पर्यटन तो कई देशों का मूल आधार है, उनकी इकोनॉमी का मूल आधार है, कई देश तो पर्यटन पर ही चल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपका जो विधानसभा में 93 से लगातार प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और 93 से प्रतिनिधित्व करने के बाद एक बार आपको मंत्री बनने का अवसर मिला, वो भी आखिरी टर्म में। दो बार हाँ, वो भी आखिरी टर्म में। ऐसे में टर्म नहीं, पहली टर्म में, पहले टर्म में आपको मिल गया था मछली पालन और जो भी मंत्रालय मिला था पशुपालन, पहले टर्म में मंत्री हो गया था। लेकिन कमलनाथ की सरकार आई, कमलनाथ की सरकार आई तो आपको मंत्री नहीं बनाया। ऐसे में इस बार आप यदि विधायक चुनते हैं यहाँ से तो क्या ये संकल्प भी दिया है उन्होंने कि आपको हम बड़ा विभाग देंगे मंत्री का और इस वजह से आपको शिवपुरी लाया गया है? अब ये उनसे पूछ रहे हैं। आपसे क्या पूछेंगे आप?